हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर इमरान सिंह और आपका स्वागत है अनबॉक्सिंग प्रोफेसर चैनल में। दोस्तों, एक दोस्त एक भाई ने ऐसा कमेंट किया है और ऐसा मुझसे पूछा है कि उनके बॉडी ग्रोथ बहुत कम है, बहुत दुबले पतले हैं वो, और इसके लिए वो एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट पे रिव्यू चाहते हैं मेरी तरफ से कि क्या वो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना भी चाहिए तो कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं और दिखाते हैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में, कैसा वो प्रोडक्ट है, हमने मंगाया उस प्रोडक्ट को, और फिर आप लोगों के सामने उसको जो है शेयर करेंगे। करके है ये जो है, इसके अंदर कुछ इस तरह के कैप्सूल मिलते हैं, ये 3 स्ट्रिप मिलते हैं पूरे परिवार के लिए आयुर्वेदिक महारसायन के तरफ से। 500 mg GMP सर्टिफाइड दिखा रहा है। यहाँ पे इसके पीछे देखेंगे तो कुछ इस तरह की कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लिखा हुआ है, और ये भी सेम टू सेम लिखा हुआ है। इसके अंदर इसमें कुछ कॉन्टेंट है, अगर आप चाहें तो मैं जूम कर आप देख लेना इसको, जो भी आयुर्वेदिक कॉन्टेंट लिखा हुआ है। इसमें डोज भी लिखे हुए हैं कि कैसे करके यूज करना है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2 कैप्सूल 2 टाइम ए डे और चिल्ड्रेन 1 कैप्सूल 2 टाइम ए डे और डिजेक्शन बाय द फिजिशियन। इसके अंदर कैप्सूल्स कैसे मिलते हैं वो भी आपको अब हम दिखा देते हैं। इसके अंदर कैप्सूल मिलते हैं, ये कुछ इस तरह के कैप्सूल मिलते हैं। इसमें कितने कैप्सूल हैं दोस्तों? इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का 7 7 दूना 14 14 और 6 14 और 6 आपका हो गया 20 कैप्सूल हो गए इसके अंदर। तो 20 कैप्सूल इसके अंदर मिलते हैं। अब इसके बारे में आपको बताऊं, ये तो आपने प्रोडक्ट देख लिया, अब इसके बारे में बताऊं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये आपको बताता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा हो सकता है कि आप इसको ले सकते हैं, इससे आपका वेट बढ़ भी जाए कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद जब आप इसको छोड़ेंगे अनकंटिन्यू करेंगे तो फिर से वेट लॉस भी हो सकता है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, आपको सबसे पहले एक फिजिशियन के पास जाना चाहिए, एक बेटर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो आपके लीवर वगैरह के टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि वाकई में आपको प्रॉब्लम कहाँ से है, और फिर उसके बाद आपको एडवाइस करेंगे तो आप ले सकते हैं। इसको बहुत सारे लोग लेते हैं, आयुर्वेदिक है कि नहीं है ये सारी चीज़ें लिख देने से आयुर्वेदिक नहीं हो जाता है। 100% आयुर्वेदिक लिख दिया भाई, ऐसा थोड़ी होता है। आयुर्वेदिक चीज़ें भी नुकसान करती है, अगर आप ज़्यादा खाना खा लो तो वो भी आयुर्वेदिक ही होता है, खाना भी नुकसान कर जाता है और उल्टी लूज मोशन हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को बिना किसी मशवरा के सलाह के नहीं ले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। आप खुद समझदार है, आप समझते हैं हर चीज़ों को, आप अपना सोच समझ के ही कोई प्रोडक्ट का सेवन करें।